केमिस्ट्री बुक टू चैप्टर नंबर सिक्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट्स और इसके अलावा हम लोगों ने मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स को डिस्कस किया था ट्रांजिशन एलिमेंट्स के। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, आज के लेक्चर के अंदर हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। वैसे ये मेरा फेवरेट टॉपिक है सबसे, तो लेट्स बिगिन। वैसे तो आज के लेक्चर में मैं चाह रहा था कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अलावा कोवलेंट और आयनिक रेडियाई को भी हम कवर कर लें, लेकिन उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दूसरे टॉपिक के साथ देख लेंगे। इस लेक्चर में सिर्फ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरे जहन में अक्सर ये क्वेश्चन आता था जब मैं पढ़ा करता था कि लेट्स से ये एक मैग्नेट है, ठीक है, ये आपके पास जो मैग्नेट्स होते हैं कॉमनली जो आपने भी देखे हुए होंगे वो कुछ इस शेप के होते हैं, बार शेप के, आप इसको बार मैग्नेट कहते हो, ठीक है। ये किस मटेरियल का बना होता, ये किस मटेरियल का बना हुआ, और पहला तो ये क्वेश्चन कि ये इसका मटेरियल क्या है, और दूसरा ये कि अगर ये उस मटेरियल का बना हुआ है तो क्या वो चीज है जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, या मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, या मैग्नेटिक फील्ड से कंसर्न जितने भी क्वेश्चन हैं, या एक मैग्नेट होता क्या है, ठीक है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं एक मैग्नेट से। तो लेट से कोई एक मेरे पास एक एटम है, इन जनरल मैं कोई भी एटम ले लेता हूँ, कोई एक्स वाई जी एटम, जिसके अंदर दरमियान में मेरे पास न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस, और साइड पे मेरे पास क्या है, पूरा एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है, साइड पे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है। लेट से मैं किसी एक मखसूस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अंदर करके वो कहीं पे है, ठीक है। आप लोग ये पढ़ चुके हो कि हर इलेक्ट्रॉन का एक स्पिन क्वांटम नंबर होता है, स्पिन क्वांटम नंबर, जो उसकी स्पिन को आइडेंटिफाई कर रहा होता है, और जो स्पिन होती है वो या तो प्लस वन बाय टू होती है एक इलेक्ट्रॉन की, या माइनस वन बाय टू होती है, ठीक है। ये बेसिकली जो आपका स्पिन क्वांटम नंबर है ना, या अगर आप स्पिन देखो एक इलेक्ट्रॉन की, तो वो इतनी होती है, वन बाय टू टाइम्स रिड्यूस प्लैंक लेंथ, इसको रिड्यूस प्लैंक कॉन्स्टेंट भी कहते हो। ये आपका एक कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू 10^-34 के करीब होती है। अमूमन जब आप वैल्यूज बता रहे हो तो स्पिन क्वांटम नंबर की, तो इसको आप इग्नोर कर देते हो। ये बेसिकली मैंने कैप स्मॉल एच विद लाइन, ये प्लैंक कॉन्स्टेंट, और ये आपके पास ये लाइन डिक्टेट कर रही होती है कि ये रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है। उस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। ये आपके पास हाफ जो है ये इसकी स्पिन होती है, और ये स्पिन जो है ये आपके मैग्नेटिक मोमेंट को बता रही होती है कि वो कितना होगा, ठीक है। और मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो एक्चुअली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिटरमिन करता है। तो एक एटम जो है, क्या एक एटम भी एक मैग्नेट के तौर पर बिहेव करता है? ऑफ कोर्स करता है, ठीक है। एक एटम के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं जो मैग्नेट के तौर पे काम करती हैं? सबसे पहले तो ये कि जैसे आपने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है, इसी तरह एक प्रोटॉन का भी एक स्पिन नंबर होता है, ठीक है। आपके जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उन सबका एक स्पिन नंबर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका इंट्रिंसिक का मतलब होता है जाती, उनका जो पर्सनल कह लो आप, जो उनका इंटरनल है, उनका इंटरनल इंट्रिंसिक स्पिन की वजह से जो आपका होता है इंट्रिंसिक, आप इसको इंट्रिंसिक स्पिन नहीं कहोगे, आप इसको कहोगे इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, जो आपका स्पिन की वजह से होता है। ये इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट इलेक्ट्रॉन का हो गया, इसी तरह आपके पास इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट होगा प्रोटॉन का, और तीसरी ये चीज कि जब आपका प्रोटॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे होंगे, तो उनके रेवोल्यूशन की वजह से भी, बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, आपके पास एक एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो वो वाला उसकी वजह से भी एक मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। आप इन तीनों को जब ऐड कर दोगे तो आप एक तरह से कह सकते हो कि आपके पास एक टोटल एटम का जितना भी मैग्नेटिक मोमेंट है वो आ जाएगा,
ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है उसके अंदर आपके टोटल इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हैं उन सबका मैग्नेटिक मोमेंट प्लस टोटल प्रोटॉन्स का, और फिर आपके पास जितने आपके इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से जो आ रहा है वो, ठीक है। ये जो थर्ड पॉइंट है मे भी आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो कि जो मोशन की वजह से होता है, आपको पता है अर्थ जो है, आप कंपस यूज करते हो ना अक्सर, कंपस के अंदर क्या कोई क्या लगा हुआ होता है, वो क्यों कंपस अपनी डायरेक्शन शो कर रहा होता है, वो अर्थ के साथ अपनी डायरेक्शन को अलाइन कर रहा होता है ना। अर्थ की अपनी भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की, ठीक है। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस वजह से है, क्या जमीन के अंदर कोई मकनातीस लगे हुए हैं, ये जमीन है लेट से, तो क्या जमीन के बीच में इधर मकनातीस लगे हुए हैं कोई, क्या ख्याल है आपका, जमीन की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्यों होती है। जमीन की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस वजह से होती है कि जो जमीन का कोर है, जमीन के अंदर क्या है, सबसे पहले आपका इंटरनल कोर है, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा डार्क इसको बना देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा लाइट कलर का वायर बना देते हैं, ये आपके पास आउटर कोर है, ठीक है, और आउटर कोर के बाहर आपके पास थोड़ा येलो कलर का बना देते हैं, आपके पास आ जाता है यहाँ पे मेंटल, ठीक है, और सबसे ऊपर आपकी जो लेयर है जहां पे हम लोग रह रहे हैं ये है आपके पास क्रस्ट, ठीक है। तो ये आपके पास इंटरनल कोर होगी, ये एक्सटर्नल कोर होगी, आउटर कोर होगी, इनर कोर, आउटर कोर, फिर आपके पास मेंटल हो गया, और फिर फाइनली सबसे बाहर आपके पास क्रस्ट हो गया। जो आपके आउटर इनर कोर है ना, इनर कोर, वो तो पूरी की पूरी सॉलिड है, ठीक है, उसकी तो आप बात नहीं कर सकते। जो आपकी आउटर कोर है उसके अंदर आपका लिक्विफाइड लिक्विड आइंस आप कह लो, या लिक्विड आइंस या प्लाज्मा की फॉर्म में मैटर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और प्लाज्मा जो होता है वो आयनिक स्टेट के अंदर होता है, इस चीज का आपको पता होगा। तो जो आपका ये वाला पार्ट है ना, मैं आपको आइडेंटिफाई कर देता हूं, मैं इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, ये वाला जो इन दो के दरमियान है, ये वाला पार्ट, इसमें बेसिकली लिक्विड प्लाज्मा आप कह लो के होता है, या लिक्विड फॉर्म में आपके पास आइंस होते हैं, और जब अर्थ मूव करती है तो उस मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अर्थ मूव कर रही है ना, सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है, ठीक है। अर्थ जो है लेट्स से ये सन है, और अर्थ जो है उसके गिर रिवॉल्व कर रही है, और अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट भी कर रही है। तो इस मोशन की वजह से ये जो लिक्विड आयन या प्लाज्मा है अर्थ के अंदर, ये भी ऑफ कोर्स मूव करता है, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये हमेशा होता है, जब भी आपके पास, आप एक चीज याद रख लो कि जब भी आपके पास चार्ज्ड पार्टिकल्स जो हैं वो मोशन के अंदर होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, लाजमन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जाम्पल आप एक वायर लो, ठीक है, उसके अंदर से आपके पास क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, लेट से इलेक्ट्रॉन इस साइड पे मूव कर रहे हैं, ये करंट की डायरेक्शन इस साइड पे, लेट से इलेक्ट्रॉनिक करंट इस साइड पे फ्लो कर रहे हैं। अब आपको पता है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, और वो आप राइट हैंड रूल से निकालते हो, ठीक है, यू एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है ना, ठीक है। अगर इसका टॉप व्यू लें तो ये इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है, और ये वायर आपकी तरफ आ रही है। तो ये भी अगेन यही चीज है कि आपके पास चार्ज पार्टिकल्स है जो मूव कर, तो हमेशा चार्ज पार्टिकल्स की मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो ये जो थर्ड पॉइंट था ये वाली चीज सिग्निफाई कर रहा था, ठीक है। तो आपके पास एक एटम की टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से निकलती है। ये तो था थोड़ा सा बैकग्राउंड के मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया। अब हम आ जाते हैं मैग्नेटिक मटीरियल्स के ऊपर। अभी मेरा जो क्वेश्चन है वो मैंने अभी आंसर नहीं किया आपको, वो जो ऊपर मैंने कहा था कि मैग्नेट क्या होता है और कैसे होता है, अभी मैं आपको जनरल टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मटेरियल्स तीन किस्म के होते हैं। सबसे पहले होते हैं पैरा मैग्नेटिक मटीरियल, ठीक है। सबसे दूसरी टाइप होती है, सबसे नहीं दूसरी टाइप होती है आपके पास डायमैग्नेटिक मटीरियल, मैग्नेटिक मटेरियल, और थर्ड आपके पास टाइप होती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। इन तीनों के ऊपर हम अब डिटेल से बात करते हैं। सबसे जो आपके पास पहली टाइप है ना वो है पैरामैग्नेटिक, और पैरामैग्नेटिक हम किन को कहते हैं, मैग्नेटिक।
पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जिनकी आपके पास, बल्कि आपको एक टर्मिनोलॉजी बताना भूल गया था, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी के स्पेलिंग होते हैं ससेप्टिबिलिटी, अच्छा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, सॉरी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक स्टाइलिश एक्स और साथ वी, या इसको आप एम बी कह लो मैग्नेटिक के लिए, ठीक है, इसके साथ, इसको स्टाइलिश एक्स नहीं बोलते, इसको एक्स ही बोलते हैं, अच्छा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो आपके पास होती है वो एक्स एम से या एक्स बी से रिप्रेजेंट होती है, और ये बेसिकली क्या होती है, एक्चुअली एक फॉर्मूला होता है एम इज इक्वल टू एक्स एच, ठीक है, इसमें ये जो आपके पास एच होता है ना, ये होती है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, या आप अमूमन टेस्लास वगैरह में मैया करते हो, जो आपके पास राइट हैंड साइड पे एम है ये होती है आपकी मैग्नेटाइजेशन, और ये एक्स आपका कांस्टेंट होता है जो डिटरमिन करता है कि कितनी मैग्नेटाइजेशन होगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मटेरियल पड़ा हुआ है, लेट्स से ये कोई एक मटेरियल पड़ा हुआ, मुझे नहीं पता ये कौन सा मटेरियल है, ये कोई भी मटेरियल, ये पीरियोडिक टेबल का कोई एलिमेंट है, ठीक है, इस एलिमेंट के ऊपर ना अगर मैं यूं करूं कि साइड से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करूं, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल, और इसके अंदर से फील्ड लाइंस अगर पास करें तो क्या होगा, इस पे क्या फर्क पड़ेगा, ये ऑफ कोर्स या तो मैग्नेटाइज होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो कितना होगा, वो इस इक्वेशन से आप मेजर करते हो, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो आप अप्लाई कर रहे हो वो एच हो गई, एक्स इसमें कांस्टेंट है, यानी अगर एक्स की वैल्यू में कर दूं वन, तो जितनी आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अप्लाई करो ऑलमोस्ट उतनी ही मैग्नेटाइजेशन इसके अंदर प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है, और अगर इस एक्स की वैल्यू बहुत कम है तो आपकी जो मैग्नेटाइजेशन है वो बहुत कम होगी, और अगर आपकी एक्स की वैल्यू नेगेटिव है तो जो आपकी मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हो रही है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी, ठीक है, तो ये आपने मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी अपने जहन में रखना है कि ये क्या चीज होती है। अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट अपनी प्रॉपर्टीज के ऊपर कि ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते कौन से, पैरामैग्नेटिक की हमने बात की थी, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जिनके अंदर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और उन अनपेयर्ड, फॉर एग्जांपल आप ये पढ़ चुके हो ना पीछे, आपके पास डी शेल्स जब फिल हो रहे होते थे उसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा होता था, और आपके पास एस जो होता था वो दो फिल्ड होते थे उसके, ठीक है, आप इसका पढ़ चुके हो ना, लेट्स से ये आप इस तरह बात कर रहे हो, ये आपके पास 4s है और ये आपके पास 3d है, और ये मैं किसी एक मखसूस एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, बल्कि मैं आपको बता देता हूँ मैं कौन से एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, ये मैं मैंगनीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस मैंगनीज के अंदर आपके पास ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है इसकी स्पिन पॉजिटिव है +1/2, इस वाले की स्पिन भी पॉजिटिव है और इस वाले की स्पिन भी पॉजिटिव है, इससे पीछे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे दो दो करके इकट्ठे आ रहे हैं ना, सिर्फ ये तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अनपेयर्ड हैं, ठीक है, बाकी जितने भी हैं वो +1/2, -1/2, वो एक दूसरे की मैग्नेटिक मोमेंट्स को कैंसिल कर रहे होंगे, आपको ऊपर बता चुका हूं कि जो इनकी मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं वो आप स्पिन से कैलकुलेट करते हो, ठीक है, इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट होता है एक इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, और वो सारा कैंसिल हो जाएगा पिछले तमाम के तमाम शेल्स में, सिर्फ ये तीन इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जिनका मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल नहीं होगा बल्कि एड अप होकर डिटरमिन करेगा कि ये कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है या कितना ये मैग्नेटाइज होगा, ठीक है, मैग्नेटाइज होगा। अब होता यह कि जब आप लेट से जिस समय ये बता रहा था ना कि आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस मटेरियल के अंदर के जो एटम्स है ना, लेट से इसके एटम्स पहले ऐसे थे, इसके एटम्स पहले ऐसे थे, मैंगनीज की मैं बात कर रहा हूं, मैंगनीज की देखो ना कि इसके अंदर तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हर एटम की कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, और वो काफी ज्यादा होगी बिकॉज इसके अंदर तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, निस्बतन उस एलिमेंट के जिसमें एक भी नहीं है, इसकी काफी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो हर एक एटम की मैग्नेटिक फील्ड होगी, और बहुत सारे एटम्स जो है वो लेट से ढेर सारी मैग्नेटिक फील्ड यूं ऊपर नीचे राइट पे लेफ्ट पे यूं अलाइन हुई नहीं होंगी, इनकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होंगी, ठीक है, ये मैग्नेटिक डायपोल्स हैं जो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, ये मटेरियल है,
ये मटेरियल को लेट से मैं फ्रंट से ड्रॉ कर रहा हूँ। अब जब आप इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे ना लेट से इस डायरेक्शन में, तो ये जो इस मटेरियल्स के अंदर ये जो इसके डायपोल्स है ना ये सारे अलाइन हो जाएंगे और आपका इस तरह का सारे के सारे यू हो जाएंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है। उस यानी बाद में ये पूरा का पूरा यू हो गया जब आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की। अब हुआ ये कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड चूंकि अलाइन हो गई है, ये आपका टेम्परेरिली यानी वक्ती तौर पे ये जो मटेरियल था ये पहले मैग्नेटिक नहीं था, ये पहले मैग्नेट नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन ये वक्ती तौर पे एक मैग्नेट बन गया है, ठीक है। वक्ती तौर पे एक मैग्नेट बन गया है और इसके पास अगर ये जो है उस मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा ये, ठीक है। जो मैग्नेट आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है ना, अब अगर करीब कोई आप और कोई भी मटेरियल लेके आओगे तो ये अब उसको अट्रैक्ट करेगा अगर वो मैग्नेटिक मटेरियल है। तो ये टेम्परेरीली एक मैग्नेटिक मटेरियल बन गया और ये अब अट्रैक्ट करने लग गया, ठीक है, अट्रैक्ट करने लग गया स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। तो ये वो डेफिनेशन है जो आप बुक से फॉलो कर रहे हो कि आपके जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जो मटेरियल्स अट्रैक्शन प्रोड्यूस करते हैं वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं और उनके अंदर बेसिकली ये काम हो रहा होता है जो मैंने भी आपको बताया, ठीक है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आपके पास कौन कौन से होते हैं, आपके पीरियोडिक टेबल के काफी एलिमेंट्स जो है वो पैरामैग्नेटिक है, अभी हम उस पर आते हैं डिटेल में कि कौन कौन से होते हैं। सेकेंड जो आपके पास कैटेगरी होती है वो होती है डायमैग्नेटिक मटीरियल, डायमैग्नेटिक मटीरियल। अच्छा एक चीज मैं ऊपर अभी आपको शायद मैंने बताई थी, मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो आप पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स है ना ये वो मटेरियल्स होते हैं कि अगर आप इस मैग्नेटिक फील्ड को आप रिमूव कर दो तो अगेन ये होगा कि ये सारी के सारे जो एटम्स, ये तो एटम्स है ना इंडिविजुअल एटम्स, अब थर्मल मोशन, थर्मल इनकी मोशन की वजह से अब होगा ये कि दोबारा ये रैंडम ओरिएंटेशन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और रैंडम ओरिएंटेशन की वजह से क्या होगा कि अगेन ये मैग्नेट्स नहीं रहेंगे और ये नॉर्मल मटेरियल्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल्स को हम लोग पैरामैग्नेटिक कहते हैं, पैरामैग्नेटिक। सेकंड हमारे पास कैटेगरी होती है डायमैग्नेटिक, ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर देयर आर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ जब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, सबके सब पेयर्ड होंगे, लेट से ये इस तरह यूं 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 और यूं, ये इस एलिमेंट, ये बेसिकली मैंने जिंक ड्रॉ कर दिया। अब अच्छा लेट से मैं जिंक की बात कर रहा हूं, अब इसमें सबके सब चूंकि इलेक्ट्रॉन्स फेल हो चुके हैं, अब इसकी वजह से होगा ये कि आपके पास ये जो मैग्नेटिक, ये आपको मैंने ऊपर बताया था ना इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट्स जो होंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है ना वो तो सबके सब कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और जो मेजर पार्ट आपके पास रह जाएगा वो सिर्फ आपके अब ये वाला हिस्सा रह गया, और ये वाला हिस्सा मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, ये क्या था, ये आपकी मोशन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा था, यानी एक इलेक्ट्रॉन जब घूम रहे होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द तो इस मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब आप फिजिक्स में पढ़ चुके हो कि जो इस प्रोसेस में ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस क्यों होगी, इसको मैं फर्दर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब एक इलेक्ट्रॉन वैसे घूम रहा होता है ना तो उसके ऊपर कौन सी फोर्स एग्जिस्ट कर रही होती है जो उसको घुमा रही होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है ना, वो सेंट्रीपिटल फोर्स तो ऑफकोर्स होती है, सेंट्रीपिटल तो अगेन उस फोर्स का नाम हो गया ना। ये फोर्स आती कहाँ से, ये फोर्स आती है आपके न्यूक्लियस के चार्ज की वजह से। यहाँ पे आपके पास दरमियान में ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज होता है और वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होता है, तो ये बेसिकली कूलम्ब्स फोर्स होती है, कूलम्ब्स फोर्स, ठीक है। ये जो कूलम्ब्स फोर्स है बिटवीन द प्रोटॉन या बिटवीन द न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा होता है। अब जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो, लेट से मैं सिर्फ एक एटम की बात करूं, इस एटम पे जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगी तो इस इलेक्ट्रॉन पे भी अप्लाई होने लग जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली पहले मूव कर रहा था और अब इसके ऊपर फील्ड लगने लग गई है, तो इस फील्ड के लगने की वजह से इस पे एक फोर्स एक्ट करेगी, ठीक है, जिसको हम लॉरेंट फोर्स कहते हैं, लॉरेंट फोर्स, ठीक है। ये लॉरेंट फोर्स जो होती है ये बेसिकली आप कह लो कि एक तरह से सम होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का। तो यहाँ पे दोनों फील्ड्स चूंकि अप्लाई हो रही हैं अब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो आपके पास जो है वो लॉरेंट फोर्स है। ये लॉरेंट फोर्स जो है ना ये इसको मूव करने की कोशिश करेगी, और चूंकि ये मूव नहीं हो सकता, क्या एक इलेक्ट्रॉन अपनी पोजिशन से मूव कर जाएगा या ऊपर या नीचे की तरफ,
नहीं कर सकता ना, बिकॉज ये तो मखसूस डिस्टेंसेज अवे होता है, ये ना तो थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे हो सकता है। हाँ ये हो सकता है कि इसके अंदर आगे पीछे रोटेट कर ले। तो अब होगा ये कि चूंकि वो मूव तो कर नहीं सकता, उसके ऊपर एक फील्ड लगने लग जाएगी ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक मोटर के अंदर होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बैक मोटर इफेक्ट, जिसको आप उस टर्मिनोलॉजी में अगर देखना समझना चाहते हो तो जैसे आप होता था ना बैक मोटर या बैक ईएमएफ इफेक्ट, बैक मोटर इफेक्ट इसको हम कहते हैं। ठीक है, ये इफेक्ट ये होगा कि इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जिस डायरेक्शन में आप अप्लाई कर रहे हो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो हर इलेक्ट्रॉन के साथ, हर एटम के साथ यूं ही होगा। हर एटम है, जब इनिशियली आपका मटीरियल पड़ा हुआ था तो इसके अंदर कोई डोमेन्स नहीं थी, इसके अंदर कोई डोमेन्स नहीं है, लेकिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से होगा ये कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और इस तरह प्रोड्यूस होगी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी उस मैग्नेटिक फील्ड के जो के पहले आपने अप्लाई की थी, और इसी को हम लेंजेज लॉ कहते हैं बेसिकली फिजिक्स के अंदर, इसको लेंज लॉ कहते हैं। ठीक है, ज्यादा इसको डिटेल में अभी आप अपने माइंड को कंफ्यूज नहीं करो, सिर्फ आप ये याद रख लो कि ये इस मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और ये ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती है। इसी वजह से जो आपके डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं ये रिपेल करते हैं। ठीक है, ये जो मटेरियल्स होंगे ये आपके रिपल्शन प्रोड्यूस करते हैं, दे रिपेल, ये दूर जाने की कोशिश करते हैं बिकॉज ऑफ ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड। और तीसरी कैटेगरी आप जल्दी जल्दी समराइज कर देता हूं, तीसरी कैटेगरी आपके पास होती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, जिस तरह आपके पास ये पैरा और डायमैग्नेटिक मटेरियल्स थे ना, ये ऐसे मटेरियल्स थे कि इसमें अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर दो ना तो होगा ये कि वो जो डोमेन्स थी वो सारी की सारी फिर से रैंडमाइज हो जाती हैं, रैंडमाइज। ठीक है, या आप यूं कह लो कि जो पिछला आपने पढ़ा है दे डिड नॉट रिटेन द मैग्नेटिक फील्ड, रिटेन मैग्नेटिज्म आप कह लो, यानी इन्होंने मैग्नेटिज्म को रिटेन नहीं किया। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जो मैग्नेटिज्म को रिटेन भी करते हैं, लेकिन चूंकि आपके कोर्स में शामिल नहीं है तो हम इसकी ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, या फिजिक्स के अंदर कुछ ना कुछ इसका पढ़ोगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का। ठीक है, कि आपका सॉलिड स्टेट फिजिक्स का जो चैप्टर होगा ना उसके अंदर आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़ोगे। अच्छा, अब ये जो अब हमारा जो बेसिक इंटरेस्ट है ना वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स जो हैं वो जितने आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं उतने आपके पास पैरामैग्नेटिज्म जो होता है वो स्ट्रांग होता है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं ये अब हम इस टेबल के अंदर से देख लेते हैं, कि पीरियोडिक टेबल के अंदर यहाँ पे आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक, फिर दो, फिर तीन, फिर पांच। आपका पीरियोडिक टेबल के अंदर आप देखो कि पहले आपके पास बढ़ रहे होते हैं, वन से शुरू होते हैं। और अगर मैं इन पर्टिकुलर आयंस की बात करूं, ठीक है, लेट से मैं स्कैंडियम के आयन की बात करता हूँ, स्कैंडियम 2 प्लस जो कि आपकी बुक के अंदर इन्होंने शो किया हुआ, स्कैंडियम 2 प्लस के अंदर आपके पास स्कैंडियम के अंदर क्या होता है, तीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल, 2 इसमें और 1 इसमें। तो जब आप दो इलेक्ट्रॉन को निकाल दोगे तो बेसिकली आपके पास पीछे क्या बच जाएगा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा डी में। ठीक है, और अगर आप उसको भी निकाल दो, अगर आप स्कैंडियम 3 प्लस की बात करो तो एक भी नहीं बचेगा। अब इसी तरह आप अपने बुक के डेटा को कंपेयर कर सकते हो इस डेटा के साथ, और आप देखो कि आप जब आयंस की बात हो रही है, आपकी बुक में आयंस की बात हो रही है, जो आयंस होंगे तो उसमें बेसिकली ये आपके पास यहाँ पे डी में शेड है ना, ये काफी थोड़े आगे जाके स्टार्ट होंगे। ठीक है, और ये प्लस 2 और प्लस 3 अपने जब इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देंगे, दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स को, उनमें से या तो एस के होंगे, पहले तो एस के होंगे, फिर उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन प्रोबेबली डी का होगा। तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा मैग्नेटिज्म का, सबसे पहले आपका ग्राफ जाएगा ऊपर की तरफ और फिर आपका ग्राफ आएगा एग्जैक्टली नीचे की तरफ। पहले आपके पास आहिस्ता आहिस्ता नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज्यादा हो रहे हैं, और यहाँ पे दरमियान में आपके पास हो जाते हैं मैक्सिमम, और दरमियान में आपके पास कौन से मटेरियल होते हैं, आपके पास होता है आयरन होता है आपके पास, फिर आयरन के बाद क्या होता है निकल होता है, फिर उसके बाद होता है कोबाल्ट। एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये दूं कि ये जो तीन मटेरियल है ना, आयरन, निकल, कोबाल्ट, और एक चौथा मटेरियल भी है जिसका नाम है गैडोलिनियम, ये थोड़ा सा मुश्किल नाम है, ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, एफ ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, ये जो चार मटेरियल्स है ना ये आपके पास फेरोमैग्नेटिक है। ठीक है, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, अलाइन भी हो जाते हैं, और इतनी ज्यादा करते हैं
आपकी जो आप एक तरह से कह लो कि इनकी जो मैग्नेटिक सक्सेप्टेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा होती है और पॉजिटिव होती है। जो आपके पास डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं ना, उनकी जो एक्स वी की वैल्यू होती है या एक्स एम इसको आप कह लो, मैग्नेटिक सक्सेप्टेबिलिटी आपकी नेगेटिव होती है। तो जो फॉर्मूला था उसमें एम इज इक्वल टू एक्स एच था। तो मैग्नेटिक फील्ड जब आप अप्लाई करते हो तो आपके एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये जो ये तीन मटेरियल आप देख रहे हो, इसमें सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनमें सबसे ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इनकी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आपके पास डायमैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं? डायमैग्नेटिक मटेरियल्स अमूमन आपके मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, फॉर एग्जाम्पल आप N2 की अगर बात करो। ठीक है, अब जब आप N2 की बात करो, नाइट्रोजन जो है वो एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है। इसी तरह अगर आप गोल्ड की बात करते हो या सिल्वर की बात करते हो, लेट्स से सिल्वर, सिल्वर अगेन आपके पास डायमैग्नेटिक है। इसके रीजन क्या है, सिल्वर आपके पास क्यों डायमैग्नेटिक है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। सिल्वर आपके पास कहां पे है? इसके अंदर आपको सिल्वर नजर आ रहा है? इसके अंदर तो आपको सिल्वर नहीं नजर आ रहा। सिल्वर का मैं आपको वैसे 4s1 and 5d 4d10 5s1, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन होती है लास्ट शेल की। ऊपर वाले को मैं रिमूव कर देता हूँ, ये सिल्वर की इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन है। अब होता ये है कि जब सिल्वर मेटेलिक फॉर्म में, मेटेलिक बॉन्ड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो वो इस इलेक्ट्रॉन को तो ऑफ कोर्स रिमूव कर देता है। जो 5s1 का एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये तो उसने रिमूव कर दिया हुआ होता है। और Ag आपको वैसे भी पता होगा कि Ag+1 अमूमन अपनी वैलेंसी शो करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने AgCl पढ़ा होगा, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट आपने पढ़ा होगा, AgNO3, इसमें +1 वैलेंसी शो कर रहा है। तो जब ये एक +1 को छोड़ देता है, ठीक है, इवन इन मेटेलिक बॉन्ड उसने इलेक्ट्रॉन एक लूज किया हुआ होता है, तो उसके जो पीछे बच जाते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स वो 10 होते हैं और वो 4d के होते हैं और वो सब के सब पेयर्ड होते हैं। तो चूंकि कोई भी पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इस वजह से सिल्वर आपके पास डायमैग्नेटिक होता है। इसी तरीके से आप किसी भी मटेरियल का डिटरमिन कर सकते हो कि क्या वो अच्छा मैग्नेटिक मटीरियल है या वो बुरा मैग्नेटिक मटीरियल है। और इसी तरीके से आपके पास मैग्नेट्स बनते हैं। आपके जो मैग्नेट्स होते हैं ना, ये बेसिकली कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल कंपाउंड्स आप कह लो, वैसे तो नेचुरल मैग्नेट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। आपके पास आर्टिफिशियल कंपाउंड्स होते हैं जिनकी आपके पास जो मैग्नेटिक सस्टेनेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बताऊं, ये जो आपका गैडोलीनियम, मैंने कहा था गैडोलीनियम, ठीक है, गैडोलीनियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन है वो कुछ ऐसे होती है कि इसका जो सिक्स्थ पीरियड से ये बिलोंग करता है, ये आपके लेंथनाइड्स में, लेंथनाइड्स में, ठीक है, ये सिक्स्थ पीरियड से बिलोंग करता है, सिक्स्थ पीरियड, और इसके जो 6s में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनमें से एक यहां पे, और इसके अंदर टोटल 4, 5, 6, 7 होते हैं ना एस में, एफ में, ये आपके पास 5, 4f होता है। ठीक है, वन इलेक्ट्रॉन और फिर उसके बाद 2, 3, 4 एंड देन 5, और यहाँ पे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब होता यह है कि इसको अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि जब ये हाफ फिल्ड एफ ऑर्बिटल होगा तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अब ये देखो, ये पीरियोडिक टेबल का वो एलिमेंट है गैडोलीनियम जो सबसे ज्यादा इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबसे ज्यादा। ठीक है, कितने हैं इसके अंदर? 7+1, 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और पीरियोडिक टेबल का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। इसी वजह से आपका ये जो गैडोलीनियम है, ये कहां पे यूज होता है? ये आपका MRI में यूज होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, मेडिकल के अंदर यूज होती है ना मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसमें आपका ये यूज होता है गैडोलीनियम, गैडोलीनियम। ठीक है, GD आई गेस इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट अबाउट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिटेल के अंदर देखा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, स्पिन से ये कैसे जनरेट होती हैं, मैग्नेटिक मोमेंट के कैसे जनरेट होती हैं, टोटल किसी एटम की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो किसी एटम के ऊपर कितना मैग्नेटिक चार्ज होता है आप कह लो, या मैग्नेटिक मोमेंट होता है। फिर आप
अर्थ की मैंने मोशन के लिहाज से बताया कि मैग्नेटिक चार्ज प्रोड्यूस होता क्यों है, फिर मैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक की हमने मुख्तलिफ टाइप्स देखी और प्रोडक्ट टेबल के अंदर हम लोगों ने इनके ट्रेंड्स देखे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इंशाल्लाह कवर करेंगे जो हमारी रिमेनिंग प्रॉपर्टीज रह गई हैं, क्योंकि वो बहुत सिंपल हैं। एक तो हमारे पास रेडियाए हैं, आयनिक और कोवेलेंट रेडियाए, इसके बाद हमारे पास कलर फॉर्मेशन है, इसके बाद हमारे पास कंपाउंड्स एंड अलॉयज फॉर्मेशन है, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इसको कवर करेंगे। सो दैट्स इट।